हे गाईज हाय सो लेट्स डू सम आई टुडे हम लोग के पास बहुत सारी ऐसी जीन्स होती हैं जो हमने उसको टॉन जीन्स बना लिया होता है रॉ जीन्स बना लिया होता है बहुत सारी चीज़ें उसमें चिपका चिपका के एडिटिंग कर ली होती है और उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई होती है कि अब हम उसमें कुछ ना तो करना चाहते हैं और ना ही उसकी हालत बची होती है इस तरह की तो उनके साथ क्या करें चेक इट आउट टाणा चेक दिस डेनम इसकी हालत बहुत जा चुकी है इसकी साइड की पूरी स्टिचिंग जा रही थी और तो उसकी एक साइड से तो स्टिचिंग पूरी जा चुकी है दूसरे साइड से बिल्कुल ठीक है इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई है बनाने की जो जो बनता जाएगा आई विल शो यू अभी मैंने फ़र्स्ट क्या किया है आप देखें तो मैंने इसके नीचे के पार्ट को यूज़ किया है कैसे यूज़ किया है आई शो यू बहुत ईजी है गाइज़ ये देखें आप इस तरह से मैंने कट किया अपने हिसाब से लेंथ डिसाइड की मुझे कितना बड़ा पाउच चाहिए है और यहाँ से मैंने कट कर दिया है नीचे स्टिचिंग मारी है और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन किया है ये बटन लगा दिया है और इसके लिए ये इस तरह से लूप बना दिया अच्छा तो जो बटन की डोरी मैंने बनाई है वो क्रोशिया से बनाई है अगर आपको क्रोशिया आता है तो आप बना सकते हैं नहीं तो आप डेनिम की ही डोरी भी बना सकते हैं मैंने रेड से मैचिंग करने के चक्कर में इस तरह से एक डोरी बना ली है और ये आपका एक डेकोरेशन का फ्लावर लगा दिया है इसी तरह से रेड को मैचिंग करने के लिए मैंने एक थोड़ा सा यू नो हाईलाइट करने के लिए ये स्टिचिंग डाली है अदरवाइज प्रॉपर वाली एक स्टिचिंग इनसाइट है जो उसकी बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी फिर आपको इस तरह से यू नो ईजी टू यूज़ चेन आपको मिल जाती है ये मेटलिक चेन होती है इनके कलर्स भी नहीं जाते हैं ये मेरे पास काफ़ी काफ़ी सारी होती हैं कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए आपको काम आ ही जाती हैं अब ये इस तरह से आपकी कहीं भी फिट हो जाती हैं तो मैंने इसके साइड पे इन साइड पे नॉर्मल थ्रेड का एक लूप इधर भी इधर भी बना दिया है जिससे ये आपका एक पर्स प्रॉपर तरीके से बन जाना है तो ये देखें आप प्रॉपर लॉन्ग बेल्ट होती है ये आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं जिस तरह से आप हैंड पाउच की तरह यूज़ करना चाहें तो बेल्ट हटा सकते हैं और इस तरह से लॉन्ग बेल्ट लगा के ईजी गो में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं